प्रकृति का एक अपना ही नियम होता है। ग्रीष्म ऋतु की तपन को समाप्त कर वर्षा ऋतु ने जैसे ही अपनी आगोश में धरती को समाकर अद्भुत श्रृंगार किया तो चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाट कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के मन को मानो अपनी ओर खींच रही है। ऐसा ही दृश्य शाजापुर जिले के पोलाय कला तहसील के पांडवकालीन हिमालेश्वर धाम मोटा केवड़ी पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर देखने को मिला, जहां बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई शिव भक्ति में लीन नजर आया, क्योंकि बाबा महाकाल को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ जल और बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, बाबा महाकाल की कृपा उन पर हो जाती है। वैसे तो पूरा श्रावण मास शिव की भक्ति के लिए विशेष रहता है, परंतु श्रावण मास में भी सोमवार का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक के साथ पोलाय कला तहसीलदार सोनम शर्मा ने भी बाबा के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आज कन्या भोज के आयोजन में कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लगातार महाकाल सेवा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से कन्या भोज के साथ में विशाल भंडारे का आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे सभी विद्यालय से 1000 कन्याओं के साथ में आसपास की गाँव के श्रद्धालु उस भंडारे में शामिल होते हैं। इस वर्ष भी समिति द्वारा कन्या भोज के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पोलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।